तो आई एम एट लाइमलाइट टुडे और मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी लाइमलाइट की सारी स्टिच्ड अनस्टिच वन पीसेस और टू पीसेस कलेक्शन स्टार्टिंग विद द वन पीस कलेक्शन. हियर आर द सिंगल शर्ट पीस एंड द रेंज इज इनसेन यू गाइस. बहुत अच्छी प्रिंट्स में, बहुत अच्छे फैब्रिक में, मुझे तो सारी इनकी शर्ट्स बहुत अच्छी लगी हैं. प्राइस मैंने साथ मेंशन की है. फेस्टिव कलेक्शन भी इनकी बहुत अच्छी है. ठीक है, अगर लोग ईद पे बहुत ज़्यादा कैजुअल रहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है. आप इनके साथ यहीं से ट्राउज़र स्टिच भी ले सकते हैं, अनस्टिच भी. दीज टू प्रिंट्स फॉर माई फेवरेट. एक ये जो पर्पल लाइलिक सी है और ये जो सॉफ्ट ग्रीन कलर है, ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे थे. मैंने मामा से कहा कि एक आप ले लें और एक मैं ले लेती हूँ, और हम दोनों कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही हसीन थे. और वाइट ट्राउज़र्स किसके पास नहीं होते. और बाकी भी इनके सारे प्रिंट्स और इनकी सारी शर्ट पीसेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. ओके गाइज, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी तो आई यूज़ टू बाय सिंगल शर्ट पीसेस मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इनकी वेयरेबिलिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती थी. आई हैड 2 to 3 ट्राउज़र्स जिनको मैं कहती थी यूनिवर्सल ट्राउज़र्स हैं, तो वो मैं उन सारी शर्ट्स के साथ पेयर कर लेती थी और मेरे पास इस तरह ज़्यादा वैरायटी हो जाती थी. ठीक है, तो वो तीन ट्राउज़र मेरे पास एक ब्लैक, एक वाइट, एक बेज में हो जाता था जो मैं सारी शर्ट्स के साथ पेयर कर लेती थी. तो अगर जिन लोगों को मेरी तरह से इस तरह से ज़्यादा कुछ पहनना अच्छा लगता है कम ट्राउज़र्स के साथ और इस तरह, तो वो आप इस तरह कर सकते हैं. बट नाउ आई एम नॉट लाइक दैट एंड मोर. मैं अब टू पीसेज या थ्री पीसेज ही प्रेफर करती हूँ, टू पीसेज एज इन शर्ट और दुपट्टा और थ्री पीस कम्प्लीट सूट. तो अगेन दीज आर सम शर्ट पीसेस की. और प्लस ये भी होता है कि आपको जो शर्ट पीस सिंगल में मिल रहा होता है वो आपको टू पीस में नहीं मिल रहा होता, थ्री पीस में नहीं मिल रहा होता. आपको उसके साथ वैसे भी सारा कुछ पेयर करना ही पड़ता है, ट्राउज़र्स भी और दुपट्टा भी. तो अब आपकी मर्ज़ी, आप उसके साथ बेस का ट्राउज़र्स मतलब ले लें, या आपकी मर्ज़ी आप उसके किसी भी रैंडम वाइट. अब जैसे तकरीबन सारी शर्ट्स में आपने देखा है किसी में वाइट आ रहा होगा, किसी में ब्लैक आ रहा होगा, किसी में बेज आ रहा होगा. तो यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी इनके कुछ क्लचेस पे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे. एंड द प्राइस अगेन वाज इनसेन. 1500-1600 के ही क्लचेस थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे. ये बहुत अच्छे लगते हैं. ठीक है, ये वाला एक मुझे शॉकिंग थिंग बहुत अच्छा लगा. इसकी भी सेम प्राइस थी, हालांकि थोड़ा सा ये फैंसीज में चला जाता है. इसके ब्रोच लगा हुआ था, बहुत ही प्यारा था, वाइट क्रिस्टल में. और इसके अलावा मुझे एक ये ब्लू से कलर का बहुत अच्छा लगा. इस पर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी थी ये सारी ऑरेंज फ्लावर्स की. ओके, सो नाउ आई एम एट प्रेट्स. ठीक है, ये इनकी प्रेट कलेक्शन आई है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाई है और मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ. ये सेल पे नहीं थी तो ये अपनी पूरी ओरिजिनल प्राइस पे आप लोग ले सकते हैं. कलर्स बहुत अच्छे थे, समरी से एम्ब्रॉयडरी हुई थी. ईद के लिए भी अगर आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैजुअल लुक में जा रहे हैं. और ईद अगर बहुत ज़्यादा गर्मी की हो तो ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं. ये मुझे ब्लू बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, ब्लू ग्रीन सा. अगेन ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी गले पे बहुत ही प्यारी हुई थी, स्टफ़ बहुत अच्छा था, कलर बहुत अच्छा था, प्राइस भी बहुत मुनासिब थी. और ये लास्ट वाला मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया, इसका गला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मैं किसी अपनी अनस्टिच शर्ट पर आप लोग को ज़रूर ये डिज़ाइन बनवा कर दिखाऊँगी. सो हेयर इज़ द टू पीस कलेक्शन. ठीक है, ये शर्ट और ट्राउज़र्स हैं सारे आप लोग को दिखाया जा रहा है. ठीक है, आप कैसे भी इसको स्टिच करा सकते हैं. प्राइस इसकी 2300 से मैक्स जो थी वो 2500-2600 तक थी. ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे, ग्रीन में भी ये बहुत प्यारा लग रहा था और पिंक में भी. लास्ट में ये दोनों कलर्स भी बहुत अच्छे थे. आपने देखा है मैक्सिमम यहाँ पर सेम प्रिंट्स में दो अलग अलग कलर्स हैं, तो आप अगर किसी के साथ ये ट्विन करना चाहते हैं तो दैट वुड बी लवली. बाकी भी ये कुछ मुझे तो तीन ड्रेसेस नहीं अच्छे लगे, इनकी कलर टोन मुझे नहीं अच्छी लगी. ओके, तो ये जो टॉप वाले दो हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे. और जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगे वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. दीज थ्री ड्रेसेस का आईज, दीज कॉट माई आईज, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे. इन पर जो ये बड़े बड़े पाम ट्रीज बने हुए हैं और इनकी पेस्टिंग हुई हुई है, दीज वर लवली. प्राइस इतनी अच्छी, और मैं वैसे टू पीस बिल्कुल भी नहीं लेती, पर अगर मैंने लेने हो तो मैं ज़रूर ये लेती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे.
बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही सस्ते से थे। तो ये लास्ट में थोड़ी सी मज़ीद पेस्टिंग्स में थे और यहाँ पर मैं आ गई हूँ 50% और 40% ऑफ ब्रेड्स पे। ये बहुत ही खूबसूरत से ब्लू कलर में कुर्ता था, बहुत ही प्यारा। इसके ऊपर ऊपर भी फ्लावर्स हुए हुए थे, ठीक है, प्रिंटेड फ्लावर्स थे, और बॉटम पे भी। और इसकी प्राइस थी ओरिजिनल प्राइस 44.90 और सेल प्राइस 22.50, जो कि मैंने आप लोग के लिए बहुत मुश्किल से मैथ्स करके कैलकुलेट की है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। बाकी आप लोग को ख़ुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तकरीबन सारों की प्राइस इसी तरह 5000-4000 तक थी। बाकी कुछ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो फ्रंट वाला उन्होंने अच्छा लगाया हुआ था, और ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसका गला अच्छा था। इस तरह की लेसेस के डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और इसकी प्राइस, ओह अगेन मैंने सेल प्राइस मैंशन कर दिया, सी आई एम अ काइंड सोल। तो फिर यहाँ से मैं आपको एक लास्ट वाला दिखाती हूँ। वो बिल्कुल भी प्यारा नहीं था, ना उसका कलर, लुक एट दिस, ना इसका कोई कलर प्यारा, ना इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी प्यारी हुई हुई है। और कौन कॉलर्स पहनते हैं गर्मियों में, मतलब लोग पहनते होंगे बट स्टिल। तो इसकी भी मैंने प्राइस मेंशन कर दिया कि मे बी किसी को अच्छा लगे तो। ओके, तो अब मैं आ गई हूँ लाइमलाइट की परफ्यूम कलेक्शन की तरफ। एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने पर्सनली लाइमलाइट का कोई भी परफ्यूम यूज़ नहीं किया हुआ, बट यहाँ पर मैंने इनके मिस्ट्स ट्राई किए, बहुत अच्छे थे, जैसे बाकी सारे ब्रांड्स के हैं वैसे ही थे। और इनके परफ्यूम्स बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, और जो प्राइस थी वो बाकी ब्रांड्स से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत कम थी। जैसे इनका ये जो इंचांट है, ये इनका मोस्ट सेलिंग परफ्यूम है, पर इसकी प्राइस जो थी वो 3400 या 3500 थी। बाकी ब्रांड्स की परफ्यूम इस प्राइस में सेल पे होते हैं, ठीक है। तो ये मुझे इनकी प्राइस वाला फैक्टर बहुत अच्छा लगा। दो तीन परफ्यूम्स इनके मुझे बहुत अच्छे लगे, एक इंचांट, एक दीवा, एक ब्लिस और एक डचर्स। बॉटल मुझे इंचांट की और ब्लिस की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, दीवा की भी देखी जाए तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, कैरी करते हुए बहुत अच्छी लगेगी। और इसके बाद हम आगे ब्रेड्स की तरफ, ठीक है। तो दिस वॉज द होल लाइमलाइट वीडियो, एंड आई होप कि आप लोग को अच्छी लगेगी। और अगर ईद के लिए किसी ने कुछ परचेज़ करना है तो आई प्रेफर कि यहाँ पर ज़रूर जाएं और परचेज़ करें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।